हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बबीता, आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बबीता किचन में। फ्रेंड, बबीता किचन में जो रेसिपी है ये बहुत ही मशहूर मेरठ की मशहूर चने दाल की कचौड़ियाँ हैं। तो चलिए रेसिपी तो बढ़ने से वाला रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइकन बटन ऑन कीजिए ताकि नई नई अच्छी वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए देखते हैं किस तरह से आज ये बनाई है हमने मशहूर चने की दाल की कचौड़ी और रिश्ते वाली आलू की सब्जी। इसके लिए मैंने एक कटोरी मैदा, आधी कटोरी सूजी और आटे की कटोरी आटा, गेहूँ का आटा लिया है। जितना मैदा लेंगे उसका आधा आप पूरी मैदा भी ले सकते हैं और पूरा आप आधा आधा आटा और भी ले सकते हैं, पर मैंने तीनों चीज़ लिया से थोड़ा कुरकुरापन और आएगा। सबसे पहले मैं एक कटोरी मैदा डाल रही हूँ। और ये फ्रेंड्स मेरा दूध का भगोना था, इसमें मैंने अभी दूध खाली करा, इसलिए मैं इसलिए मान रही हूँ क्योंकि इसके अंदर जो ये थोड़ी मलाई लगी है उससे अच्छी तरह और अच्छा आटा मसलता है। तो मैंने मैदा, आटा और सूजी तीनों चीज़ मिला लिए। इसके अंदर मैंने बिल्कुल 1/4 टेबल स्पून डाला है थोड़ा सा खाने का सोडा, आधी चम्मच नमक और थोड़े से अजवाइन को हाथ से क्रश करके डाला है। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ये मैंने गरम ऑयल डाल रही हूँ। 5 से 6 चम्मच गरम ऑयल डाल दूँगी इसके अंदर, जिससे अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेंगी और ऊपर से एकदम कुरकुरी सी होंगी। ये मैं 5 से 6 चम्मच डाल दिया ऑयल। अब ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हाथों से सारा अच्छी तरह मिक्स करना है बिल्कुल, जब तक ऐसे ये देखिए हमारा ये एकदम सारा मिक्स हो गया। और हमारा ये ऐसे पैक करने से पता चल रहा है बंद बाइंड हो रहा है, तो यानी एकदम परफेक्ट है। अब हम इसको हल्के से गुनगुने पानी से गूथेंगे, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम और इसको अच्छी तरह गूथ लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो आप हम दूध का भगोना होता है, हम दूध निकालने का खाली करने का धो देते हैं, उसके अंदर आप हमेशा आटा मसल लिए, काफ़ी अच्छा आटा मसलता है। मैं हमेशा आटा इसमें मसलती हूँ, इसलिए मैं आज इसमें ये कचौड़ी का आटा भी इसमें लगा रही हूँ। ये देखिए मेरा आटा एकदम इकट्ठा हो गया है, कितना अच्छा हो गया। अब मैं इसको थोड़े से भूसे लगा के और उसको सॉफ्ट कर लूँगी। ये मेरा आटा हो गया। अब मैं इसको एक कटोरी में रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा ऊपर से पानी लगा के रेस्ट करने के लिए रख दिया है। यहाँ मैंने चने की दाल ली है स्टफिंग के लिए, और ये चने की दाल मेरी ऐसी है, मैंने इसे कोई धोया नहीं है, खाली सूखी दाल ही है। इसको मैं थोड़ा सा और इसको रोस्ट करूँगी, ड्राई रोस्ट करना है हमें। हल्का पैन में डाल के इसको बिल्कुल स्लो गैस पर 3 से 4 मिनट हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। उसके बाद हम इसे निकाल देंगे और कंटिन्यू से चलाते हुए ड्राई रोस्ट करेंगे, क्योंकि इसका कलर चेंज ना हो, इसकी जो इसके अंदर मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाए। अभी देखिए दाल मेरी ठंडी हो चुकी है, अब हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए मैं इसको मिक्सी में डाल के एकदम इसका फाइन सा पेस्ट बना लूँगी। इसके अंदर कुछ नहीं डालेंगे, खाली दाल ही पीसेंगे हम। और ये देखिए ये मेरा दाल एकदम रेडी है, इसे मैं एक बड़े से बाउल में निकाल लूँगी। एक्चुअली फ्रेंड, मैं आज इसका दाल का प्रीमियम बना के रख रही हूँ, और जब भी मुझे बनानी होगी तुरंत मैं इसमें से लूँगी और उसे बना लूँगी, इसलिए मैं इससे थोड़ा सा ऐसे ड्राई रोस्ट किया है। इसमें थोड़ी सी मैंने हींग डाली है, आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और नमक डाल देंगे थोड़ा सा, हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। और थोड़ी सी डालेंगे इसमें हल्दी, 1 पिंच ऑफ हल्दी डाली है मैंने, सबको मिक्स कर लेंगे। ये हमारा प्री मिक्स तैयार हो गया है, इसको आप एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख सकते हैं और ये काफ़ी टाइम तक चलता है। जब भी आपका कचौड़ी बनाने का मन करे आप इसमें से ले सकते हैं, जितनी आपको कचौड़ी बनानी है उसके हिसाब से। मैं यहाँ 4 चम्मच ले रही हूँ, 4 चम्मच मैंने ले लिया है। अब हमें क्या करना है, एक कढ़ाई रखनी है, उसके अंदर थोड़ा ऑयल को गर्म कर लेना है। जब भी फ्रेंड्स आपको बनाना हो तो जितना आपको बनाना उतना लेना है, उसको थोड़ा सा कढ़ाई में डाल के अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है, तेल के साथ मिक्स कर लेना है, ताकि थोड़ा सा ये इसका जो होता है थोड़ा सा डोसा बन जाए। ये देखिए ये अंदर के स्टफिंग के लिए मैंने इसको थोड़ा सा घी तेल में डाल के रिफाइंड में अच्छी तरह तो मिक्स कर लिया है। सिर्फ 1 से 2 मिनट इसे चलाते हुए हमें मिक्स करना है, थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स हो जाए ऑयल के साथ, ताकि स्टफिंग के लिए भरने में आसानी रहे। और ये देखिए मेरा एकदम परफेक्ट सा पेस्ट तैयार है, मैंने इसे ठंडी करने के लिए रख दिया है। अब हमारा आटा लग गया है, हमारी स्टफिंग उसकी तैयार हो गई है। अब हम बनाएंगे सब्जी। सब्जी के लिए मैंने ऑयल ले लिया है, उसके अंदर 1 तेज़पत्ता, 2 लाल मिर्ची, थोड़ा जीरा, 4 काली मिर्च, 4 लौंग, 1 छोटी इलायची और 1 काली इलायची, और 1 इंची का दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है। इन सब खड़े मसालों को मैं पहले ऑयल में डाल दूँगी। आज मैं बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनाऊँगी, पर टेस्टी बहुत बनती है, जैसे मार्केट में मिलती है सेम वही टेस्ट आएगा। जैसे ही हमारे सूखे मसाले ट्रक जाएंगे तो उसमें हम 2 बड़े टमाटर और 2 मिर्चों को बारीक काट के इसमें डाल दूँगी।
आप टमाटर की प्यूरी बना के भी डाल सकते हैं। और मैं इसको बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बना रही हूँ, तो मैं ऐसे साबुत इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट के डाल दूँगी और इसे ढक के हम 1 से 2 मिनट सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे। इतने हमारे टमाटर सॉफ्ट हो रहे, इतने मसाला तैयार करते हैं। यहाँ मैंने 1/2 टेबल स्पून नमक ले लिया है, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 टेबल स्पून डाली है मैंने हींग, और थोड़ी 1/4 टेबल स्पून डाला है मैंने धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच अपना मसाला जो मैंने बनाया हुआ है सब्जी मसाला वो। यहाँ हमारा ये एकदम देखिए टमाटर कितना अच्छी तरह से गल गए हैं। अब इसमें हम ये जो मसाले हमने बनाए थे अच्छा मिक्स करके इसके अंदर डाल देंगे। ये मसाले मैंने ड्राई ही डाले हैं, अच्छी तरह मिक्स कर लिया ताकि कहीं नहा खा जैसे कहीं मिर्ची ज़्यादा हो जाती है तो मिर्ची जल जाती है, इसलिए सारे मसाले एक साथ मिक्स करके डाले हैं। और यहाँ मैंने 4 बॉइल्ड आलू लिए हैं। आलू को मैं हाथ से ऐसे क्रश कर लूँगी, ये देखिए इजली क्रश हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही बननी चाहिए। और हमारा मसाला कितना अच्छी तरह भुन चुका है, इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला हमारा लगे ना। बिल्कुल मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, अराउंड 1/2 कप, सिर्फ 1/2 कप पानी डाला है। उसको पानी को अच्छी तरह से मिक्स करके जो मैंने आलू को हाथों से क्रश किए थे बॉयल आलू को, वो आलू मैं इसमें डाल दूंगी। अच्छी तरह डाल के मसाले में आलू का अच्छा मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला हर आलू के ऊपर कोट हो जाए और उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा है। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट। आलू के जो थोड़ी मोटे आलू रह गए तो उसको आप उसको करछी से कूट सकते हैं, थोड़ा सा फोड़ सकते हैं। और अब इसमें फिर से मैं इसमें 1/2 कप पानी और डालूंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको पकने के लिए रख दूंगी। मैंने इसमें 1/2 कप पानी और डाला था, का पानी मेरे को कम लग रहा था तो मैंने 1 कप पानी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करके ऊपर से धनिया पाउडर डाल के इसको पका लेंगे। 1-2 भाप पानी तक हम इसको पकाएंगे। ये देखिए मेरी सब्ज़ी एकदम रेडी हो गई है, ये बन गई है मेरी सब्ज़ी, मैंने उतार ली है। कितनी अच्छी रस्से वाली आलू की सब्ज़ी बनी है, उसका जो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ रहा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए सब्ज़ी रेडी है, हमारी स्टफिंग रेडी है और हमारा आटा रेडी है। तो अब चलते हैं बनाते हैं अपनी कचौड़ियाँ। यहाँ कचौड़ी बनाने का मैंने ऑयल रख दिया है, ऑयल को मैंने मंदी गैस पर अच्छी तरह गर्म होने के लिए रखा था, तेज़ गैस पर नहीं करेंगे, बिल्कुल मंदी गैस पर ही गर्म करेंगे। अच्छी तरह जब ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तब हम इसमें बनाएंगे। अब फिर से मैंने आटा निकाल के आटे को 2-3 मिनट और अच्छी तरह हाथों से सॉफ्ट किया है, थोड़ा सा ऑयल लगा के मैं इसको सॉफ्ट कर रही हूँ। जितना हम अच्छा सॉफ्ट करेंगे उतना अच्छी हमारी कचौड़ियाँ बनेंगी, फूलेंगी। ये देखिए हाथ को आटे को इस तरह से हाथों से मसल मसल के इसको सॉफ्ट करना है हमें। अब मैं इसके 2 बॉल कर लूँगी आटे के, अपने जो मैंने इसका आटा लगाया है, और उसको ऐसे ऐसे लंबे से शेप देके इसके छोटे छोटे से हम पेड़े बना लेंगे। ये देखिए इक्वल इक्वल पेड़े बना लेंगे हम सारे। ये देखिए यहाँ मेरे 4 सारे पेड़े बन गए हैं। और अब मैं इस पेड़ा लूँगी, इसको अच्छी तरह हाथों से सारी तरफ से रोल कर लेंगे, कहीं जो क्रैकनेस ना रहे अच्छी तरह रोल कर लेंगे। और फिर हाथों की सहायता से इसे एक कटोरी टाइप पर बना लेंगे, उसके अंदर हम ये अपने चने की दाल के स्टफिंग को भर देंगे और इसको नीचे दबाते हुए ऊपर से बंद करते हुए इसका हम एक बॉल बना लेंगे। ये देखिए तरीका देखिएगा, उंगलियों से नीचे की साइड दबाना है अंगूठे से और उंगलियों से चारों तरफ से ऊपर से बंद करना है, कहीं से स्टफिंग हमारी निकले ना। ये देखिए एकदम तैयार हो गई हमारी स्टफिंग। अब इसे हथेलियों से ऐसे दबाते हुए बड़ा करेंगे। इसके लिए कोई हम बेलन नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, मार्केट वाले ऐसे ही हथेली से दबा के डालते हैं, हथेली से हम इसको ऐसे दबाएंगे। और ये लीजिए हमारी कचौड़ी एकदम रेडी है, हाथों से दबाना नहीं, हथेली से दबाते हुए से बढ़ाए करेंगे और ऐसी हम सारी इसके बना लेंगे। ये देखिए एक और दिखाती हूँ मैं, पहले इसको अच्छी तरह मिक्स करके अच्छी तरह इसकी क्रैकनेस हटा देंगे, हाथों से इस तरह से इसको एक कटोरी शेप देंगे देखिए, और इसके अंदर स्टफिंग भर के भर देंगे हम अंदर की तरफ, अंगूठे से दबाएंगे स्टफिंग को और इसकी जो बाहर की लेयर है उससे हम इसको अच्छी तरह कवर कर लेंगे। कवर करते हुए जैसे हम पकौड़ी पूड़ी वगैरह बनाते हैं उस तरह से, इस तरह से स्टफिंग वाली तो उस तरह से भरना है, परांठे बनाते हैं उस तरह से भर के हथेली की सहायता से ऐसे चारों तरफ से ऐसे दबाते हुए हमने इसको बड़ा करना है। ये देखिए हथेली से ऐसे दबाया और ये कितनी अच्छी हमारी एकदम स्ट
स्टफिंग वाली कचौरी रेडी है। ये देखिए बस ऐसी हमें बनानी है सारी। ये देखिए मैंने सारी बना ली है अपनी, और अब मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका है। गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे फ्रेंड्स, हाई फ्लेम नहीं करेंगे, और हमारी जितनी एक बार में कढ़ाई में डलेगी उतनी हम डाल देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा डालिएगा कचौरी, ज़्यादा से ज़्यादा डालते हैं एकदम से। मेरी 5-6 एक साथ आ गई हैं, 6-7 मेरी आ गई हैं, तो मैं इतने डालूंगी। आपकी अगर ज़्यादा आती है, ज़्यादा कढ़ाई है बड़ी, तो आप उसमें डाल सकते हैं। और ऑयल इतना रखिएगा कि वो डालते डिप हो जाए, कम ऑयल नहीं रखिएगा इसके लिए। अब डालने के बाद इसको हम चलाएंगे, चलाते हुए इसको हम घुमाते हुए चलाते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से सिकती रहे, और जो हमारी सिकती जा रही इसको पलटते रहेंगे। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक, दोनों साइड से अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक इसको सेकेंगे हम। ये देखिए कितनी अच्छी फूली है हमारी कचौड़ियाँ, देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, और कहीं फटी भी नहीं है। बस बंद करने का तरीका ध्यान से रखिएगा। और इसको मंदी मंदी गैस पे मैंने सारी कचौड़ियों को अपनी पका लिया है। देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है हमारा। अब हम इसे निकाल लेंगे फ्रेंड्स। बहुत ही अम्मी सी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इतनी सिंपल है, फटाफट बना सकते हैं आप। अगर आप ये दाल का प्रीमिक्स बना के रख लेते हैं तो देखिए यहाँ मेरी कचौरियाँ एकदम रेडी हो गई, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन से, ऊपर से एकदम कुरकुरी सी है, और कहीं पे भी इसमें ऑयल नहीं आ रहा। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सी, कुरकुरी सी बनी है एकदम। और ये मेरी आलू की सस्ते वाली थोड़ी सी सब्ज़ी रेडी है, जो जिस तरह से मार्केट में मिलती है, तो उसी तरह से आज हम सर्व करेंगे। पहले मैं इसमें सब्जी डाल लूँगी। देखिए मैंने पत्ता ले लिया, उसके अंदर सब्जी डाल ली है, ऐसी मार्केट वाले देते हैं, पत्ते के अंदर सर्व करते हैं। उसके अंदर दो कचौरियाँ लीजिए, रेडी है हमारी चने की दाल की मशहूर मेरठ की कचौरियाँ। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, खाइएगा और बताइएगा कैसी बनी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, और अंदर से भी देखिए मैं आपको स्टफिंग दिखाती हूँ, कितनी अच्छी स्टफिंग हुई है कोने कोने तक। मेरी आलू की सब्जी है, कितनी प्यारी सी लग रही है ये मेरी कचौरियाँ, और ये हमने सर्व कर दी हैं अपनी आलू कचौरी के साथ मार्केट सेल में। तो फ्रेंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आइकन बटन जरूर ऑन कीजिए। तो थैंक यू।